प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। झारखंड की राजनीति इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त अपनी विधायकी को लेकर तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के चलते विपक्ष ने अब मांग की है कि हेमंत सोरेन की विधायकी को समाप्त किया जाए। राज्यपाल ने फैसले को सुरक्षित किया हुआ है, लेकिन अब तक यहाँ पर फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में देखा जाए तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ विधायकी दांव पर लगी हुई है, अगर विधायकी जाती है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच उनकी पार्टी जेएमएम की कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विधायक पंकज मिश्रा के बारे में। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर इस वक्त सियासत तेज है, बल्कि झारखंड में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े 100 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में तकरीबन 5000 पन्नों में चार्जशीट दायर की गई है और ऐसे में हेमंत सोरेन के पार्टी के जो विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस चार्जशीट में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, वहीं सत्ता के गलियारों के करीबी प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, करीबी दाहू यादव का नाम सामने आया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के सातवें दिन ये चार्जशीट दाखिल की गई। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया गया था और जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि चार्जशीट में अब स्पष्ट हो चुका है हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का अवैध खनन से जुड़े मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल बाहुबली बच्चू यादव और बाहुबली दाहू यादव से संबंध रहा है। पंकज मिश्रा ने इन आरोपियों के साथ मिलकर अवैध खनन कर करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बीजेपी यहां पर बड़े दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि जेएमएम यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लेती है। देखना होगा कि जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन अब यहां पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देते हैं और राज्यपाल रमेश पेंस आखिरकार हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला सुनाते हैं या फिर बीजेपी के पक्ष में। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।